बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले जॉन अब्राहम 46 साल के हो गए हैं। एक्टिंग के अलावा जॉन इन दिनों एक के बाद एक फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। छोटे बजट की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जॉन फिल्मों के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी खासी चर्चा में रहते हैं। एक दौर ऐसा था जब बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम अक्सर पार्टियों और इवेंट्स में नजर आते थे। यही नहीं, जॉन अब्राहम का बर्थडे बिपाशा धूमधाम से मनाती थी और जॉन भी बिपाशा का जन्मदिन मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों एक दूसरे के घर पर ही पार्टियां होस्ट करते थे। दोनों ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया। महेश भट्ट के प्रोडक्शन की फिल्म जिसमें से बिपाशा और जॉन के बीच नजदीकियां और बढ़ी। इतना ही नहीं, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। ऐसे में सभी के जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जॉन और बिपाशा एक दूसरे से अलग हो गए। बिपाशा से अलग होने के बाद जॉन ने NRI प्रिया रुंचाल से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। मीडिया में खबरें आने के बाद पहले तो लगा कि ये महज अफवाह है, लेकिन जॉन के एक ट्वीट ने सब साफ कर दिया। साल 2014 के न्यू ईयर पर जॉन अब्राहम ने ट्वीट कर बता दिया था कि उनका और बिपाशा के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। जॉन अब्राहम ने लिखा, आपको और आपके प्यारों को 2014 की शुभकामनाएं। इस साल आपके जीवन में प्यार, बेहतर भविष्य और खुशियां आए। लव जॉन एंड प्रिया अब्राहम। जॉन ने प्रिया से शादी कर ली थी और बिपाशा को इसका पता तक नहीं चला था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।